ये क्या कर रहे हो सर? I'm sorry, वो गलती से गिर गया। ये क्या हरकत कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बताऊं अभी? शर्म आ रही है नहीं आ रही? निकल चले। हाँ बड़ा हमें समझाने वाला है। वैसे मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सर। क्या मैं आपके साथ एक पिक ले सकता हूँ? जा कर रहे हो मैडम, फोटो खींचिए। पेमेंट हो गए? हाँ जी मैम हो गई। पैसे मैंने इसी में रखे थे। इसी में रखे थे मतलब? तो कहाँ गए? पता नहीं मैम। तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। अगर इसमें नहीं मिले ना तो तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। मैम टेबल नंबर 1 का ऑर्डर रेडी हो गया, लेकर जाओ। अच्छा मैडम, वैसे आज रात हम क्लब जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलोगे क्या? साथ में पार्टी करेंगे और डांस भी। नहीं सर थैंक यू। बिल्कुल तो सही, कहाँ जा रहे हो मैडम? देखिए सर आप दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मुझे जाने दो। चलो अकेले जाने में दिक्कत है तो अपने किसी फ्रेंड को अपने साथ ले लेना। मैंने बोला ना सर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन एक बात बताओ, ये खाने में बाल फ्री देते हो क्या? सर मैंने तो आपको साफ खाना दिया था। अच्छा एक तो खाने में बाल दे रहे हो पर झूठ बोल रहे हो। मैनेजर कहा तुम्हारा? मैनेजर इधर आओ। यस सर। ये कैसा खाना दे रहे हो आप लोग? क्या हुआ सर? आप खाने में बाल फ्री देते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। इन मैडम को जब हमने बोला तो उल्टा इन्होंने हम पे इल्जाम लगा दिया। हरप्रीत मैम मैंने तो खाना साफ दिया था। देखो अभी भी झूठ बोल रही है। एक तो खाने में बाल दिया है, ऊपर से हमें क्लब जाने के लिए ऑफर कर रही थी और जब हमने मना कर दिया तो गुस्सा दिखा रही है हम पे। हरप्रीत ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम्हें जॉब से निकलना है क्या? मैम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई एम रियली सॉरी सर, ये खाना भी एक्सचेंज हो जाएगा, बस थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। जब से आए हैं ये दोनों इन मैडम को परेशान किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा पता है क्या? लगता है तो हम दोनों को जानता नहीं है तभी इनका मुँह इतना खुल रहा है। सर गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, ये दोनों मेरे एम्प्लॉय का असॉल्ट कर रहे थे। अरेस्ट? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत अभी बताती हूँ। ये देखिए सर, ये मेरे क्लाइंट के साथ जबरदस्ती फोटोज ले रहे थे। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? और इन्होंने इससे पैसे भी लिए। पैसे थे मैडम के? सर अभी देता हूँ। ये तो मैडम, चलो थाने में। मैम आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लिया था कि तुम्हें तंग कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे पैसे भी लिए। इट्स माई ड्यूटी। और एक बात का आगे से ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई परेशान करता है, तंग करता है, आपको तभी एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले उनको हैंडल नहीं कर सकते, किसी की हेल्प लीजिए, कंप्लेंट कीजिए, लेकिन आप जितना इनसे दबेंगे उतना इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। जी सर मैं ध्यान रखती हूँ। थैंक यू फॉर बींग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सर। इट्स माई ड्यूटी।